सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द मूवी नाइट। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुछ टाइम पहले हमारे जो फेवरेट रैन रेनॉल्ड्स है, उन्होंने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। सबको बता कि वो फाइनली डेब्यू करने वाले हैं एमसीयू में, क्योंकि ये बहुत दिनों और बहुत सालों के बाद हो रहा है कि हमारे जो डेडपूल 3 है उसकी रिलीज डेट आ चुकी है। रिलीज डेट आने के बाद जो हमारी डेडपूल 3 होने वाली है, उसमें एक सरप्राइजिंग शॉकिंग एलिमेंट ये है कि उसमें हमको ह्यूज जैकमैन देखने को मिलेंगे, जो वुल्वरिन का रोल प्ले करते। अभी सबके क्वेश्चन रेज हो जाएंगे कि आप देखेंगे कि वुल्वरिन की तो डेथ हो चुकी है, किस में लोगन्स की मूवी में, तो ये अभी ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो जाए। अगर आपको डेडपूल की मूवी पता है तो डेडपूल की मूवी में जितने भी आप एक्समैन की मूवी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं, क्वेश्चन जैसे उनकी जो टाइमलाइन है वो अलग है, डेडपूल की टाइमलाइन अलग है और जितने भी वुल्वरिन की टाइमलाइन अलग है। आपने दोनों ही मूवीज में किसके भी कनेक्शन नहीं देखे रहेंगे, लेकिन इस बार एमसीयू चाहता है ऐसे करने, इसकी रीजन मैं वीडियो के एंडिंग में दूंगा। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि डेडपूल मरा है कि नहीं मरा है। तो इधर आपको दो चीज ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो लोगन्स की मूवी है उसमें डेडपुल की डेथ हो चुकी है, डेडपुल बोल रहा हूँ, वुल्वरिन की डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो लोग आप बोल सकते हो टाइमिंग वो अलग है। और जो एक्समैन की जितनी भी मूवीज है उसकी टाइमिंग पूरी डिफरेंटली है, वो कभी कोई कैरेक्टर को आप बोल सकते हो स्टार्ट से बिल्डअप करते हैं और उसको बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो कि डिसअपियर कर देते हैं, तो दोनों की टाइमिंग अलग है। और जो हमको इस बार वुल्वरिन देखने को मिलेगा इस मूवी में, हमको आप बोल सकते बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलेगा, रफ देखने को मिलेगा, ओल्ड मैन आप बोल सकते जो ओल्ड मैन जो कॉमिक से बहुत बार मैंशन किया वो देखने को भी मिल सकता है, और एक ब्लडी वर्जन भी देखने को मिल सकता है। और मे भी अगर आपने एक्समैन की पुराने मूवीज देखे तो उसमें भी आपने जैसे हमारे वुल्वरिन को देखे थे यंग, वो एक कैरेक्टर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हमको जो कैरेक्टर देखने को मिलेगा वुल्वरिन का डेडपूल 3 की मूवी में, आप बोल सकते हो और कॉमेडी एक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि अभी तक किसको नहीं पता कि कैसे दिखने वाला है। बहुत तरीके के आप बोल सकते हो उसके डिफरेंट वेरिएशन दिखा सकते हैं, वेरिएंट दिखा सकते हैं, ओल्ड दिखा रफ दिखा सकते हैं, रॉ दिखा सकते हैं और एनिमेटेड भी दिखा सकते हैं, जैसे हमको बहुत टाइम पे देखने को मिल सकता है, या तो नया स्पिन ऑफ बना सकते हैं कैरेक्टर का। लेकिन ये एक और क्वेश्चन खड़ा करता है कि एक्समैन की जितनी भी मूवीज हमने आज तक देखे वो फाइनली मर्ज हो रही है कि एमसीयू की जो टाइमलाइन है, मे बी ये सच है और नहीं है, क्योंकि अभी देखो एमसीयू एक मल्टीवर्स में पूरा क्रिएट हो चुका है और एमसीयू एक अभी ऐसा मात्र स्टूडियो है जिसको आप बोल सकते हो अनबिलीवेबल चीज कर सकता है। जैसे उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को जिनकी डेथ हो गई थी उसको वापस रिटर्न लाया एमसीयू के जो मल्टीवर्स क्रिएट है, जो पेस 4 और 5 है उसको ऐसा बोला जाता है वो मल्टीवर्स है, और जो पेस 6 होने वाला है वो मल्टीवर्स सागा होने वाला है। तो इसलिए अभी आप बोल सकते हो एमसीयू और जो हमारे केविन फाइगे वो ऐसी चीज करने वाले, ऐसे क्रॉसओवर जो देखने में और सुनने में इम्पॉसिबल लगते हैं, बट एमसीयू है तो कुछ भी कर सकता है। 2021 में एक इंटरव्यू आया था आप बोल सकते हो रेनॉल्ड्स, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि जब डिज्नी ने फॉक्स खरीदा था, जो फॉक्स स्टूडियो, उससे पहले उनका जो सबका प्लान था वो था कि लोगन आप जो हमारे ह्यूज जैकमैन प्ले करते हैं एज वुल्वरिन और जो डेडपूल रैन गॉसलिंग प्ले करते हैं, उन दोनों की एक रोड ट्रिप होने वाली थी, वो भी बहुत डिफरेंट टाइमलाइन पे आप बोल सकते हो, लेकिन उसमें आपको हमको सब कुछ देखने को मिल सकता है, एक बैड एज वुल्वरिन और एक बोल सकते हो बहुत ही फनी 18 प्लस हमारा जो डेडपूल है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप बोल सकते हो कि जो डिज्नी जो फादर ऑफ मोनोपोली खासकर यूएसए में, वो नहीं चाहते कि उनके जो कैरेक्टर्स है उस पर आप बोल सकते हो थोड़े भी 18 प्लस के ऐसे कुछ भी शख्स आए जे, क्योंकि आपको तो पता ही वो ऐसे कुछ भी प्रीफर नहीं करते। उनकी मेरिड ऑडियंस होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं खासकर जो कॉलेज आप बोल सकते हो जो ग्रेजुएट हो जाते हैं वो। एक और बड़ा जो क्वेश्चन रेज करता है कि ये जो सब कुछ भी इवेंट होने वाले हैं अपने अपने आप बोल सकते टाइम लाइन पर, ये सब एक क्रिएट करने वाले बहुत बड़ा इवेंट जो होने वाला है सीक्रेट वॉर्स, क्योंकि हमको पे 6 में आते आते कैंग की डेस्टिनेटी देखने मिल सकती है, सीक्रेट वॉर्स देखने को मिल सकते हैं, सीक्रेट वॉर्स के जो कॉमिक्स में आप बोल सकते हो कि देखने को मिले थे, जो पूरा एमसीयू डिस्ट्रॉय हो चुका था उसके कैरेक्टर को वापस रीडिफाइन वापस से बुलाया गया था। अगर आपको याद नहीं हो तो जैसे सेम इन्फिनिटी वॉर में हुआ था कि बहुत सारे कैरेक्टर चले गए थे, लेकिन एमसीयू ने उनको जादू से दिमाग लगा के अपना चक्री मार के वापस लेके आया था। तो ऐसा हो सकता है, अभी हमको ऐसा इम्पॉसिबल लगता है कि टोनी स्टार्क को एज अ रिटर्न नहीं ला सकते, क्योंकि हाँ ये पूरा प्रीफर है कि टोनी स्टार्क की पूरी डेथ दिखा चुके थे लेकिन दूसरे कैरेक्टर्स की पूरी प्रीफर डेथ नहीं दिखाए थे। तो मे भी हमको इस बार स्पाइडरमैन और वुल्वरिन भी साथ में देखने को मिल जाए, क्योंकि क्या पता, क्योंकि देखो मार्वल है तो कुछ भी हो सकता है। अभी लोग बोलेंगे कि लोग ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो जैसे जैसे मार्वल आगे बढ़ते जाएगा टाइमलाइन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते जाएंगे। अगर आपको ध्यान रखना तो आपको बहुत ज़्यादा ही रीड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सी टाइमलाइन किधर है। बट मे बी मैं प्रीफर करूँगा वुल्वरिन को देखने को किसके साथ, स्पाइडरमैन के साथ, और हमारे जितने भी एवेंजर्स उनके साथ भी देखने को मैं प्रीफर करूंगा एवेंजर्स के साथ, क्योंकि आपको पता है तो वुल्वरिन जो हमारा कैरेक्टर है कॉमिक्स में उसने बहुत साल अपने एक्समैन्स को दिया है और साथ ही साथ उसने एवेंजर्स के साथ भी टीम अप किया है, लेकिन जब उनकी खासकर सेपरेट मूवीज निकालना शुरू कर दिया तो आप बोल सकते हो एवेंजर्स से थोड़ा दूर हो गए। तो मैं क्यों नहीं प्रीफर करूँ जिसमें हमको देखने को मिलेगा थॉर, लोकी, अगर लोकी को भी वापस लाते हैं, लेकिन लोकी की भी प्रीफर डेथ हो चुकी है, तो हमको बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं वुल्वरिन और हमारा डेडपूल। और एक और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि अगर ये लोग दोनों ऐसा प्रीफर
आ जाते हैं एमसीयू की टाइम लाइन में प्रॉपर, तो एवेंजर्स में ये लोग कहाँ पहुंच सकते, इंट्रोडक्शन कौन कराएगा, इंट्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखो एमसीयू में बहुत सारे कैरेक्टर है जिसकी ऑलमोस्ट डेथ हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको बहुत कोई कोई आप कैरेक्टर देखें तो कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जब ये दो कैरेक्टर इमॉर्टल है तो इसको तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि एमसीयू जो भी ये दोनों कैरेक्टर एक साथ करे अच्छा ही करे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं एक अगले वीडियो में, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे एनालिटिक्स वीडियो, रॉ वीडियो और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में और बहुत सारे डिफरेंट न्यूज़ मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।